झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप वन ने अपना 143वां स्थापना दिवस मनाया। डोरंडा स्थित जैप वन ग्राउंड में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैप गोरखा जवानों की वीरता और अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई हो या फिर राजनेता की सुरक्षा की बात हो, ये बटालियन पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है। जैप स्थापना दिवस के अवसर पर परिसर में ही आनंद मेले का भी आयोजन किया गया है। मेले में 84 स्टॉल लगाए गए हैं। आनंद मेला में प्राइड ऑफ गोरखा स्टॉल लगाया गया है। इसमें गोरखा समाज की उपलब्धि, उनकी संस्कृति को दर्शाया गया है। डोरंडा स्थित जैप ग्राउंड में शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि देकर स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह के मुख्य अतिथि जेब एडीजी प्रशांत सिंह ने गोरखा बटालियन के गौरवशाली इतिहास को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जेब वन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। बटालियन के वीर जवानों ने हमेशा अपनी शहादत देकर जैप वन का नाम बुलंद किया है। हमें इस बटालियन पर गर्व है। बटालियन के बुलंदी के लिए कई तरह के कार्य योजना तैयार किए गए हैं, जिन पर जल्द ही अमल किया जाएगा। इस तरीके से आज का दिन खास भी है और मेला भी लगाया गया। खास इसलिए है, पिछले 2 साल से आनंद मेला का आयोजन नहीं हुआ था क्योंकि कोविड के कारण। तो इस बार जो है, जो 143वीं वर्षगांठ के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत उत्साह उल्लास आप देख रहे हैं, गोरखा परिवार के लोग। और ये मेला जो है लगातार 4 दिन चलेगा और सारे परिवार लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे और बहुत सारे बाहर के लोग भी आके यहाँ पर जो है मनोरंजन कार्यक्रम भी है और जो स्टॉल लगे हुए हैं, खाना पीना सबका यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये 2 साल के बाद जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। जैप वन के लिए, जैप वन के जो भी सैन है, जो भी सुरक्षा कर्मी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो ये आनंद मेला जो चल रहा है, हमारे जवान जो है बहुत दुर्गम परिस्थिति में बहुत अति संवेदनशील जगहों पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी जो है विशेष महानुभावों और अति विशेष महानुभावों के कार्य में लगे हुए हैं। उनके परिवार को थोड़ा सा यानी कि मनोरंजन का भी होना चाहिए और उनका सुख दुख का ये सभी जो है हम लोग जो पूजा प्रार्थना करते हैं तो उनके सकुशल के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सभी। तो ये परंपरा चल रहा है, ये बहुत सबसे प्राचीन बटालियन है। तो ये परंपरा लगातार चल रहा था, तो 2 साल से पहले नहीं चल रहा है कोविड के कारण। तो इस बार जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। थैंक यू। कुकरी ड्रिल जो है वो उनका एक ट्रेडिशन है। ये बहुत उसके लिए करना, प्रैक्टिस करना भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वो एक ट्रेडिशन, उनका जो कल्चर है वो प्रेजेंट किए हैं आज। रंजन और वाहिनी की स्थापना वर्ष 1888 में हुई थी। ये 143 वर्ष आज वाहिनी ने पूरे कर लिए हैं। ये झारखंड का ही नहीं बल्कि इंडिया के कुछ सबसे पुराने पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स में से एक है। यहाँ पे आपको तीसरी और चौथी पीढ़ी के भी सिपाही मिलेंगे जिनके परदादा लोगों ने इसी वाहिनी में काम किया था। तो ये हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और साल भर हम लोग दुरू स्थानों में ड्यूटी करते हैं। साल में एक बार हमारे वाहिनी परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं, मेला मनाते हैं और इस वाहिनी स्थापना दिवस पे एक अत्यंत भव्य परेड का आयोजन होता है। यही पर्पज है इसका। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, चाहे बादशाह भी उनको जाना है? इस विषय में जैप के एडीजी के रूप में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, अभियान साहब ही बता सकते हैं। हम लोग कुकरी का प्रदर्शन किए, कितना हेल्पफुल होता है आपको आपातकाल में ये चीज़? ये जो हम लोग का ये जातीय हथियार है, हम लोग का गोरखा बटालियन का ये शान है कुकरी। हम लोग का ये हथियार का साथ में ड्रिल करना, कैसे मतलब ये मतलब अपना हथियार को कैसे मतलब प्रदर्शन करना, ये सब का हम लोग का प्रशिक्षण किया गया है। वही अनुसार हम लोग को ड्रिल किया गया है, जो सिखलाया गया है वही अनुसार हम लोग को ड्रिल हम लोग किए हैं। अच्छा लगता है अपना अपना जाति का अपना शान है ना। और ये प्रत्येक साल हम लोग का वो बटालियन का वो वार्षिक उत्सव है 5 जनवरी, उसी में हम लोग प्रदर्शन करते हैं।
अच्छा, आप लोग आर्म्स के साथ भी इसको खुखड़ी रखते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी में इसे यूज करने की जरूरत पड़ी है? हाँ, पड़ती है, क्योंकि अब काउंटर इंसर्जेंसी के इलाके में, उग्रवादी के इलाके में जब गोली का तादाद खत्म हो जाती है तो अपना हथियार यही हम लोग जाती हथियार इसी के निकाल के हम लोग दुश्मन से वार करते हैं और दुश्मन के खिलाफ लड़ाई करते हैं। और कभी कभी मौका मिल जाता है या जंगल झाड़ में कभी कभी बहुत जरूर हथियार की बहुत जरूरत पड़ जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो जहाँ पे राइफल नहीं का जाम काम है तो ये काम आ जाता है? हाँ, आ जाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।